हाय, हेलो इंडिया के 9th एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम अंकित बुटोला है और आज मैं आपको एक किस्सा सुनाने वाला हूँ। कहानी नहीं कहूंगा क्योंकि कहानी है नहीं, तो किस्सा समझ के सुन लीजिए। ये बात दरअसल 4 साल पुरानी है। उस रात गली में कोई जगराता चल रहा था। घर पे बोर हो रहा था तो वहां शरीक होने चला गया। उस शोर में नजर उससे जा मिली। उससे मतलब बला की खूबसूरत वो हसीन परी, जिसे देख के ऐसा लगा सब थमसा गया, जैसे फिल्मों में होता है ना वैसा। वहां और भी चेहरे थे पर उसकी बात ही अलग थी। ऐसा लगा जैसे उस जगराते में एक दुआ मेरी भी पूरी हो गई। उसी पे कुछ लिखा है, गौर कीजिए। उससे नजरें कुछ यूं टकरा गई, दिल गार्डन गार्डन और वो रात हसीन हो गई। सिर्फ हम ही नहीं थे जो अटक गए थे उस पल में, वो भी नजरों से कुछ इशारे हमारे लिए कर गई। तो हुआ यूं, कुछ मैंने उसे देखा, कुछ उसने देखा और रात का वो सिलसिला चलता रहा। अब मैं उसके करीब जाके बैठ गया, सोचा कुछ बात होगी, पर ऐसा हुआ नहीं। पर कुछ पल उसे देखना मानो चांद मेरे मोहल्ले में उतर आया था। आई नो ये थोड़ा ज्यादा फैंटेसाइज हो गया, पर वो पहला इश्क कमबख्त था ही इतना मासूम। वो कहते हैं ना, इश्क की उम्र नहीं होती, खूबसूरती की कोई मिसाल नहीं होती, कुछ रातें बस यूं ही नहीं कटती, कुछ यादें बस याद नहीं होती। आई नो थोड़े मुश्किल अल्फाज हैं, पर अब समझ आ जाते हैं। उस रात ना उससे कोई बात हुई, ना ही उसका नाम पूछा। कुछ दिन बाद वो फिर दिखी। सिर्फ वो नहीं, ऐसा लगा कोई हसीन ख्वाब दिखा। उस रोज पता चला वो सामने वाले घर में ही रहती है। अब बस क्या था, रोज छत पे शाम को उसका इंतजार करो। वो कभी कपड़े सुखाने आती, कभी टहलने आ जाती, कभी तो बिना वजह भी आ जाती थी। शायद जगराते वाली वो रात उसके लिए भी खास बन चुकी। ऐसा मैं नहीं, उसका छुप छुप के मेरी छत की ओर देखना बता रहा था। वो यूं ही दिल में घर कर गया, मेरे इश्क का वो सफर मानो मुकम्मल हो गया। उसका रोज शाम को छत पे आना, शायद उस पे भी बिना अल्फाजों वाला वो इश्क असर कर गया। ये कोई गलत फहमी तो नहीं, ये देखने के लिए मैं छुप छुप के कई बार उसे नोटिस करता था। यकीन मानो उसकी बेचैन आंखें सब कुछ बता रही थी। खैर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा, मेरी छोटी सी लव स्टोरी का यह पहलू यूं ही बढ़ता रहा। वो ईयरफोन लगा के गाने सुनती थी, नजरों की टकरार होना कुछ दिन जारी रहा। वो कभी कभी सामने वाली दुकान पे सामान लेने आ जाती थी, मैं पर्दे के पीछे से उसे देखता था। वो ना चाहते हुए भी देखती रही, मैं दिख जाऊं इसी ख्याल में बार बार मुड़ती रही। ओ गॉड, कितना खूबसूरत होता है ना पहला इश्क। आज जिन बातों को सोच के हंसी आती है, तब कहां ऐसा लगता था। उससे बात भी नहीं हुई और मैं शादी के सपने देखने लग गया था। खैर बचपन शायद ऐसा ही होता है, पहला इश्क सबका वैसा ही होता है। कुछ नादानियों का वो सफर यूं ही गुजरता है, शायद बचपन ऐसा ही होता है। आज कहानी इतनी ही रखते हैं, आगे फिर कभी सुना देंगे। वैसे अभी के लिए बता दूं, वो किस्सा काफी लंबा चला, यूं मानो कहानी बन चुका था।